पठान को मिली शानदार सक्सेस के बाद शाहरुख खान पहुंचे चेन्नई, तो वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म जवान का अभी से शुरू हुआ सेलिब्रेशन सामने आ गया, क्योंकि फैंस के बीच शाहरुख खान हो गए मॉब्ड। यस, यू हर्ड इट राइट। वेल, फैंस पर न्यू प्यार लुटाकर शाहरुख खान वहां से रवाना हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जवान में उनकी कोस्टा नयनतारा को चीक पर जब ये स्वीट किस दिया, तो शाहरुख खान की इस स्वीट किस ने भी क्रिएट कर दी हेडलाइंस। ये विजुअल्स देखकर लग रहा है पठान ने ठान लिया है कि उनकी सक्सेस की जर्नी अब रुकेगी नहीं। पठान को मिल रही शानदार बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बीच चेन्नई पहुंचे किंग खान। अपनी इस विजिट में शाहरुख खान जवान में उनकी कोस्टा नयनतारा के रेजिडेंस पर भी हुए स्पॉट, क्योंकि नयनतारा और विग्नेश शिवन ने लास्ट ईयर अक्टूबर में वेलकम किया है न्यूली बॉर्न ट्विंस उयीर और उलगम को। लेकिन वापस जाते हुए शाहरुख हो गए फैंस के बीच मॉब। वेल, फैन से मिलने वाला प्यार लौटाना तो किंग खान बखूबी जानते हैं, तो कार में सवार होने से पहले शाहरुख खान फैंस के लिए अपना स्वीट किस हवा में उड़ाते नजर आए। लेकिन जाने से पहले शाहरुख जवान को स्टार नयनतारा को चीक पर एक स्वीट किस देना नहीं भूले। इस दौरान वायरल वीडियो में भी फैंस शाहरुख का नाम पुकारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि पठान की सक्सेस के बाद फैंस को शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर जवान का भी है बेसब्री से इंतजार। ये फिल्म शाहरुख और अटली का फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज कोलैबोरेशन है और ये फिल्म जून 2023 में रिलीज होने जा रही है। जवान के बाद शाहरुख और राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म डंकी भी इस साल रिलीज होगी। फिल्म में तापसी पन्नू शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। ऐसे में फैंस को इंतजार रहेगा कि दीपिका और नयनतारा के बाद शाहरुख खान और तापसी पन्नू का किस कनेक्शन कब सामने आता है। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.